और अब एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी में 5 जिंदा टाइम बम मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, बड़ी खबर है बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं, मौके पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और गंभीर खबर आपको बता रहे हैं, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइम बम मिले हैं। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, डिफ्यूज का काम किया जा रहा है। 5 जिंदा बम मिले हैं बाराबंकी से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बाराबंकी का ये पूरा मामला, मौके पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है और अपने कार्य को अंजाम दे रही है। 5 जिंदा बम मिले हैं बाराबंकी में और 5 जिंदा बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है। सब सख्ते में आ गए हैं कि अचानक से रेलवे स्टेशन के पास ये 5 जिंदा बम मिले। क्या किसी साजिश की फिराक में कोई था, इसकी भी अब जांच पड़ताल की जाएगी। बाराबंकी में 5 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैली है, मामले की पूरी जांच पड़ताल भी की जाएगी। फिलहाल बम स्क्वाड की टीम मौके पर है और कार्रवाई को अंजाम दे रही है, अपने कार्य को अंजाम दे रही है, डिफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। 5 जिंदा बम मिले हैं और ये बम मिलने से सनसनी फैल गई है। बम स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टीम डॉग स्क्वाड की भी पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, जिंदा बम है ये, जो 5 जिंदा बम मिले हैं, जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये 5 जिंदा बम मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए नितिन श्रीवास्तव जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट? जी, ये फिलहाल बम निरोधक दस्ते ने पूरी चीजें अपने कब्जे में ली थी और जो भी संदिग्ध वस्तु थी उसको डिफ्यूज किया। हालांकि यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ये पुलिस का कहना है कि बम नहीं था, बम जैसी कुछ चीजें देखने में थी और उसको अपने कब्जे में लेके और तमाम चीजें जो जांच का विषय है जांच की जा रही है, उसके बाद जो निकल कराएगा वो सामने उसको बताया जाएगा। तो अभी जांच में कुछ सामने आया है क्या, और क्या बम डिफ्यूज कर दिए गए हैं जो 5 जिंदा बम मिले? जी, वो पूरी तरह से डिफ्यूज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। कप्तान का ये कहना है कि वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, संदिग्ध मान कर चल रहे हैं और बम निरोधक दस्ता आगे की जांच कर रही है कि आखिर ये चीज कहाँ से आई, कौन लेके आया, और ग्रामीणों जो जिन लोगों ने सूचना दी थी उनसे बात की जा रही है उन्हें कैसे पता चला, और ये तमाम चीजें अभी अब से कुछ देर बाद साफ की जाएंगी कि आखिर क्या चीज थी और कहाँ से आई। तो क्या ग्रामीणों से बातचीत में कुछ पता चला है, कौन वहां पर आया था रेलवे स्टेशन के पास, क्या उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो, किसी पर शक हो, कब इस बात की सूचना मिली? ग्रामीणों से अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कोई जानकारी हाथ लगी है प्रशासन के? नहीं, उन ग्रामीणों से बात नहीं हो सके, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ग्रामीण वहां पर गए हुए थे, उन्हें कुछ संदिग्ध चीजें मिली तो उन्होंने तत्काल 112 को सूचना दी, उसके बाद बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया और ये सब चीजें अपने कब्जे में लेकर और उसकी जांच की जा रही है। उन ग्रामीणों से बात नहीं हो सकी जिनका जिन लोगों ने सूचना दी थी, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है और वो पूरा इलाका घेराबंदी में है इसलिए वहां तक जाना भी संभव नहीं है, इस वजह से अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है क्या है। और अब से कुछ देर बाद जब जांच के बाद फाइनल होगा कि इसमें क्या चीजें थी, कैसे पाई गई और डिफ्यूज करते समय उसमें क्या क्या निकला, क्या यूज हुआ था, वो सब चीजें अब जांच के विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या चीज थी और कहां से आई थी। नितिन, गोरखनाथ हमले का जो मामला सामने आया उसके बाद बाराबंकी में इस तरह से 5 जिंदा बम मिलना अचानक से रेलवे स्टेशन के पास, ये बेहद संदिग्ध घटना है, तो इसको किस नजरिए से और किस किस तरीके से, किस एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी? क्या आपके किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई? जी, पुलिस अधीक्षक के मौके पर मौजूद थे और आपको बता दें लखनऊ और बाराबंकी का जो बॉर्डर है वहां पर ये लगभग है और बहुत सेंसिटिव जगह है, राजधानी के करीब होने की वजह से ये और सेंसिटिव हो जाता है, इस वजह से तुरंत पुलिस प्रशासन हरकत में आया, लखनऊ निरोधक दस्ता बुलाया गया है और उसी तरह से उतना ही सेंसिटिव मैटर मान के इसकी जांच की जा रही है और इसको कतई हल्के में नहीं ले रहा है पुलिस प्रशासन और तय तक जाने की कोशिश में है कि आखिर क्या चीज थी और कहां से आई है। ठीक नितिन, जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। सी मीडिया रिपोर्टर नितिन श्रीवास्तव तमाम अपडेट्स दे रहे थे। बाराबंकी में इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि इस घटना को बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। जिस तरीके से गोरखपुर में जो हुआ उसके बाद बाराबंकी में 5 जिंदा बम जो मिले हैं, इस घटना को बेहद संदिग्ध मानकर हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, ग्रामीणों से भी बातचीत की जा रही है। तो बाराबंकी में बम जैसी वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल स्थिति
सामान्य है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि कहां से ये पांच बम आए।